ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में नए कुलसचिव के रूप में डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने किया योगदान। विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में छात्रों की समस्याओं का समय निष्पादन मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। कुलसचिव निवर्तमान कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर किया योगदान। कुलाधिपति के आदेश से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के नए कुलसचिव के रूप में डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने आज कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के समक्ष योगदान किया। इस अवसर पर जुबली हॉल में निवर्तमान कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद की विदाई नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित का अभिनंदन समारोह कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिकुलपति प्रोफेसर टॉली सिन्हा, वित्तीय परामर्श कैलाश राम, पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद तथा नवनियुक्त कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित के साथ सभी संकाय अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, पदाधिकारी, कई प्रधानाचार्य, सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्य, शिक्षकोत्तर कर्मी कर तथा छात्र छात्राएं आदि उपस्थित थे। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि 1976 में व्याख्याता बनने के साथ ही उस शिक्षा का मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है। मुझे यूजीसी नैक आदि में सदस्य, संयोजक तथा अध्यक्ष आदि के रूप में काम करने का मौका मिला है। अच्छे शिक्षक हमेशा दूसरों के प्रेरक होते हैं, वे कुछ नया करने की सीख देते हैं, नए वातावरण को भी बनाते हैं। आज के कार्यों का परिणाम काफी दिन बाद मिलता है। पूरे बिहार में मेरे प्रयास से ही प्रमाण पत्रों पर अब कुलपति के डिजिटल साइन होते हैं, अन्यथा पहले भी सी का काम काफी समय हस्ताक्षर में ही लग जाता था। फिर 3 वर्षीय की जगह 4 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित CBCS प्रणाली स्नातक स्तर में बिहार प्रांत में इस बार फिर से लागू हुआ। कुलपति ने कहा कि मैं पॉलिसी के साथ ही एक्शन में विश्वास करता हूँ। प्रोफेसर मुश्ताक प्रशासनिक क्षमता से संयुक्त शिक्षक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी सभी नीतियाँ एवं शैलियों को इन्होंने सफल बनाया। निकट भविष्य में मिथिला विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं अपितु देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बनेगा। मेरी यह क्षमता नहीं है कि मैं 18 घंटे या अधिक काम कर सकूं, पर मुझमें लोगों से बेहतरीन काम लेने की क्षमता अवश्य है। पदों की अपनी मर्यादा होती है, जब कोई भी नीति बनती है तो उसे लागू भी करना जरूरी होता है, जिसमें कठोरता भी हो सकती है। एक सहयोगी कुलसचिव के रूप में प्रोफेसर मुश्ताक ने मेरा साथ दिया। विश्वविद्यालय मुखिया के नाते मैं नए कुलसचिव का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये भी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देंगे। गति के राह पर है, उसमें आप और गति प्रदान करेंगे, इसको त्वरान्वित करेंगे। तो इस शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि संस्थाएं ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, व्यक्ति का आना जाना ये सीमा के अंदर होता रहता है, होता रहेगा। नियम के अंदर संस्थाएं चलती हैं, नियम और परिनियमों से व्यक्ति जाते हैं, चले जाते हैं, संस्थाएं रह जाती हैं। तो हम हमारे जो बिहार के अवार्ड से नवाजा गया जी है, निश्चित रूप से माननीय कुलपति के साथ काम उसी उत्कृष्टता के साथ मुझे करना होगा, ऐसा मैं सोच कर लिया। मंच पर उपस्थित प्रो चांसलर सर डॉली सिन्हा, जिन्हें हम पटना विश्वविद्यालय में डॉली मैम के नाम से पढ़ते रहे हैं। मैं इसका यहाँ पहले लेक्चर था जनता कृषि महाविद्यालय 1996 में, और मामला हाईकोर्ट का था, मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया था, मेरा पूरा सिलेक्शन 98 में हो गया, लेकिन वो रिजल्ट आते आते बहुत समय लग गया और मैं दोहा तो उसमें फिर फर्दर ऑर्डर लिखा हुआ था, तो मैंने जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से मैं ये समझ रहा था कि टिल फर्दर ऑर्डर का मतलब है कि जिस पर ऑर्डर आ गया है चला जाए, तो इसीलिए मैं जो जिस दिन से प्रारंभ किया उस दिन से कोई भी संचिका अपने टेबल पर छोड़ के नहीं गया कि कल सुबह मुझे जब आना होगा तो पुरानी संचिका करना पड़ेगा। इसीलिए जब आगे मैं आया तो कोई संचिका उचिका नहीं थी। माननीय कुलपति महोदय ने जो विचार पर डिस्कस लिखा था, जिन पदाधिकारी का था, मैं उनको भेज दिया कि आप डिस्कस करके कर लीजिएगा। अब मैं पूरे दिन बैठा इंतजार करता रहा हम अपने नए कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप साहब का। मैं सबसे पहले तो महामहिम कुलाधिपति महोदय और हमारे साथ कुल सचिव के रूप में काम किया,
शर्मिष्ठा कर लें। आज नए साथी के रूप में पृथ्वी के पदभार को ग्रहण करने वाले पंडित जी के साथ सामने सिंडिकेट के मेंबर जिनका सहयोग हमें रकम मिलता था, आदरणीय गति बाबू सिंडिकेट के सामान्य सदस्य और प्राचार्य अपने प्रसन्न दिलीप चौधरी यहाँ उपस्थित सभी पुलिस द्वारा प्राचार्यों आचार्यों इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।